हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी अड्डा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज ये स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है जम्मू कश्मीर पीसीएस एग्जाम के रिगार्डिंग। पूरा डिटेल आपका सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो इन चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले। उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पैटर्न के बारे में बता दूं। ये जम्मू कश्मीर पीसीएस का जो एग्जाम है, बेसिकली 2022 का जो प्रेजेंट में आया है सिलेबस या एग्जाम पैटर्न, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे दूँ। प्रीलिम सिलेबस कंसिस्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर वन, पेपर टू। बेसिकली ये जो जम्मू कश्मीर पीसीएस का जो एग्जाम है, इसके तीन स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। ओके, बात करें अगर हम इसके प्रीलिम्स की, तो यहाँ पर इन शॉर्ट बता दिया कि प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू। ऑन द अदर हैंड मेंस कंसिस्ट ऑफ 8 कन्वेंशनल पेपर्स, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपके 8 जो है मेंस के 8 पेपर होते हैं। क्लियर हो गया? जिसमें से 8 पेपर में से देयर विल बी एन इंग्लिश पेपर, एन एसए पेपर, 4 जनरल स्टडीज पेपर एंड 2 ऑप्शनल पेपर। तो ये मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव मोड में है, टोटल 8 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं। देन फाइनल स्टेज है आपका इंटरव्यू। ओके, तो इसी के बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल से बता दूं। बेसिकली इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर, सॉरी जेके पीसीएस केएस कश्मीर एग्जाम पैटर्न जो है 2021 का, वो यही है कि भाई इसमें टोटल आपके 3 एग्जाम स्टेजेस होंगे। एग्जाम के 3 पार्ट्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ओके, इन तीनों पार्ट्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स में आपके 2 ही पेपर होते हैं बाकी स्टेट पीसीएस की तरह। पहला पेपर जो है, जिसे हम बोलते हैं पेपर वन, ये आपका 200 मार्क का कंडक्ट होता है। सेकंड पेपर, पेपर टू, ये भी आपका 200 मार्क का, यानी कि द एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर 400 मार्क्स। टोटल 400 नंबर का पेपर लिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम फॉर 2 आवर्स, यानी जो ये एग्जाम है इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आर देयर फॉर काउंटेड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन। ओके, तो ये केवल कट ऑफ है, इसको आपको पास करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। दे विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जो भी आपके प्रीलिम्स के मार्क्स आते हैं, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जाएंगे, यानी ये मार्क्स जो है ये कहीं ऐड नहीं होने वाले हैं। इसका केवल इतना ही रोल है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इसे पास करेंगे, देन तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे सेकंड स्टेज पे। अगर आप प्री पास कर रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं जो 400 मार्क्स का हो रहा है पेपर वन पेपर टू, देन आप मेंस की तरफ जाएंगे। अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, प्रॉपर आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर लिया जाएगा। और इस मेंस के एग्जाम में टोटल आपके 8 एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ये है आपके टोटल पेपर जो मेंस में कंडक्ट किए जाएंगे। पहला है आपका इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के पेपर के अलावा आपके यहां पर पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, पेपर फाइव, पेपर सिक्स, पेपर सेवन और एक इंग्लिश का पेपर, यानी टोटल 8 पेपर होंगे। इंग्लिश का पेपर 300 मार्क का, और बाकी सभी पेपर्स जो है वो 250 मार्क्स के कंडक्ट कराए जाएंगे। इन टोटल अगर आप देखो, तो मेंस का एग्जाम जो है वो 2050 मार्क्स का, यानी 2550 मार्क्स का होता है। और अगर मैं मेंस के सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो टोटल जो है आपका मेंस, इसमें एक आपका इंग्लिश का पेपर है जो आपने देखा, बाकी एक एसए का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के अलावा जो 7 पेपर होंगे, इसमें से एक एसए का है, 4 जीएस और एक है आपका ऑप्शनल का, सॉरी 2 ऑप्शनल का। तो काफी कुछ ही आपका यूपीएससी से मिलता हुआ मेंस का एग्जाम पैटर्न है, यानी टोटल आपका मेंस का एग्जाम जो है वो 2050 मार्क्स का मेंस लिया जाएगा। अगर आप मेंस भी पास करते हैं, देन आपका फाइनल स्टेज है, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू राउंड। ठीक है, द इंटरव्यू राउंड इज द लास्ट राउंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, और जो भी आपने मेंस में स्कोर किया है वो मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे। यानी मेंस में आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करिएगा, मेंस के मार्क्स जो है वो फाइनल स्टेज में आपके ऐड होंगे। जो भी बच्चा मेंस में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, उसके हिसाब से ही उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं सिलेक्शन के। ओके, तो जहां प्रीलिम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, वहीं मेंस का जो है वो फाइनल सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो बेसिकली अदर स्टेट पीसीएस की तरह
जम्मू कश्मीर जो पीसीएस का एग्जाम है ये भी आपका वही तीन स्टेजेस को फॉलो कर रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री ऑलमोस्ट वही है ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस का पेपर सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मोड में, और फाइनल सिलेक्शन जो है आपका इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को लेकर किया जा रहा है। तो ये तो था हमारा डिटेल एग्जाम पैटर्न। अब जो भी बच्चे जेके पीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है अमन, अमन जेके PCS, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जम्मू कश्मीर का प्री कम मेंस का। तो जैसा आपको दिख रहा है प्रीलिम्स में दो पेपर होने हैं, मेंस में टोटल 8 पेपर होने हैं, जिसमें एसए भी है, जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर है, जीएस के 4 पेपर है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है इन सारी चीजों के प्रिपरेशन करना, मतलब अलग से आपके एसए के लिए आपको क्या थीम रखना है, किस तरह से आपका एसए का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उतना आपके पास कॉन्टेंट होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश का भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल है, जीएस के 4 सब्जेक्ट्स हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा आपका प्रॉपर प्लान मैनर में प्रिपरेशन, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी, और ताकि आने वाला जो भी नया नोटिफिकेशन हो उसमें आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और इसी को टारगेट करते हुए हम कंप्लीट जेके पीएससी फाउंडेशन बैच लाए हैं, अमन जिसका नाम है, अमन फाउंडेशन बैच है जम्मू कश्मीर पीसीएस का। जो भी स्टूडेंट्स 2023, 2024 और 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां प्री मेंस प्लस सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी। ये सभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपकी 1 जून से, और ये इसका टाइमिंग रहेगा शाम 6 से रात 8:30 बजे तक। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, प्लीज आप इसे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, अदरवाइज गूगल पर जाके टाइप करिए adda247.com, और adda247 के ऐप के थ्रू भी आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। व्यू ऑफर्स में जाना है, कोड अप्लाई करना है, आफ्टर डिस्काउंट 2700 का ये आपका फाउंडेशन बैच पड़ जाएगा। सभी क्लासेस लाइव है, बायलिंगुअल है, तो बच्चों को इंग्लिश हिंदी का अगर इशू है तो आप इस बायलिंगुअल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही लैंग्वेज में चीजें कवर कराई जाएंगी, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, क्लास के बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्लीज जाइए, जाकर बैच को ज्वाइन करिए, ताकि प्लान्ड मैनर में इसकी प्रिपरेशन हो सके। और कल भी मैं आपका इससे रिलेटेड अब थोड़ा सा सेशन कराऊंगी, धीरे धीरे आपको आइडिया देंगे कौन से स्टूडेंट एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, ताकि आप लोग और ज्यादा इससे परिचित हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।